ये लॉन्ड्री कब से अंदर रखी है, कब ऊपर लेके जाओगी? कितनी दफा एक एक चीज बताऊं मैं, स्वेयर इनको ट्रेन कर करके मैं थक गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बस जी बताएं। हाँ ये देखिए, ये लड़की है बड़ी ही खूबसूरत, रंगत ऐसी जैसे दूध मलाई, और बाल तो इतने लंबे और घने कि जहां जाती है लोग देखते ही रह जाते हैं। पढ़ी लिखी भी बहुत है, वो क्या मुझे सही से कहना नहीं आ रहा, मुझे नाम नहीं पता कि कौन सी पढ़ाई पढ़ रही है। आप देखें पीछे लिखा हुआ है इसके। देखना क्या है, मैं तो शक्ल ही पसंद नहीं आई। देखें आप, मेरे भाई से उम्र में बड़ी है, कोई और दिखाएं। अच्छा अच्छा ये देखें, ये आपके भाई के साथ बहुत जचेगी, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है। हाँ वाकई है तो बहुत प्यारी, कहाँ रहती है? पीछे इसकी तस्वीर पे है ना, देखिए शहनाज। ओ गॉड, ये सुरजानी में रहती है, क्या हो गया है आपको? प्लीज ये छोटे इलाके की लड़कियां मुझे मत दिखाएं, कोई डिफेंस की लड़की दिखाएं। लेकिन फेज वन या फेज टू, ये फेज सेवन या एट वाले नहीं। नौ दौलती, नया नया पैसा आता है, शोखियां नहीं खत्म होती। अच्छा तो फिर आप ये देखें, ये है ना अस्करी में रहती है, बाप इसका रिटायर्ड फौजी है और अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। शहनाज प्लीज, ये तो शक्ल से इतनी चालाक लगती है, मेरा भाई बेचारा इतना मासूम सा कैसे इसके साथ रहेगा? आप क्या कर रही हैं? या तो कोई छोटे इलाके के रिश्ते दिखाती हैं, या फिर ये चालाक मक्कार जैसी, कोई अच्छा रिश्ता दिखाएं। अच्छा अच्छा भाजी ठीक है, अभी तो बस कुछ यही तस्वीरें, कुछ और है मेरे पास घर पे रखी हुई है, मैं दोबारा आऊंगी तो ले आऊंगी। ठीक है, लाए वो मेरी तस्वीरें जी। वो बाजी मैं कह रही थी कि कुछ अगर रकम मिल जाती तो बड़ा ही अच्छा। शहनाज देखिए, आपको तो पता है इस वक्त तैमूर घर पर नहीं होते, अब मुझे पहले बता देती मैं लेके रखती। खैर अब नेक्स्ट टाइम जब आइएगा तो लेके जाइएगा। अच्छा शहनाज सॉरी मैं चलती हूँ, आपने देखा ना ये नौकरों के सर पे जब तक खड़े रहो ना कोई काम नहीं करते। आप नेक्स्ट टाइम प्लीज फोन करके आइएगा, ये ना हो ना हम अक्सर बाहर होते हैं फिर आपका मुफ्त का चक्कर लगेगा। ठीक है जी, प्लीज जूस पीजिएगा। हिना, तुम इतने बड़े घर में अकेली रहती हो, तुम्हारा दिल नहीं घबराता? दिल क्यों घबराएगा मेरा, मामा होती है मेरे साथ, वो तो आजकल गई हुई हैं बस अपने एनजीओ के काम की वजह से मुल्क से बाहर, वरना मेरी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि मैं हॉर्स राइडिंग सीखती हूँ, मैं जिम जाती हूँ और पियानो बजाना भी सीख रही हूँ आजकल। नाइस, तुम्हारे पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, फिर तुम वैन पे क्यों कॉलेज आती जाती हो? यार मैं तुम लोग कितनी दफा बताया कि हमारी बहुत दुश्मनी है, तो मामा को ना बिल्कुल भी नहीं पसंद कि इस तरह से हम दुनिया के सामने ना दिखावा करें या पता चले कि हमारे पास ये सब कुछ है, तो इस वजह से वो चाहती हैं कि हम लोग जिंदगी ना बहुत सादा तरीके से गुजारें। वैसे ही ना तुम्हारी मामा हैं बहुत केयरिंग। ये तो है, पता है उनका तो बस ना चले मुझे एक मिनट के लिए भी अपनी नजरों से दूर ना होने दें, लेकिन पापा के बाद से सब उन्होंने ही संभाला है तो। अच्छा चलो छोड़ो, हमें अपना रूम तो दिखाओ, और हाँ मुझे तुम्हारी वार्डरोब भी देखनी है। अच्छा मैं ना चाबियां देख के आई। ओके वन मिनट। हाँ माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। कुछ सिया जी, आज से अलीना हमारी हुई। यार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। व्हाट हैपेंड, एवरीथिंग इज ओके? नो, मुझे लगता है कि सुबह जब मामा जा रही थी ना तो खान साहब को लगा कि मैं भी उनके साथ जा रही हूँ, मेरी रूम की चाबियां ही नहीं है, उन्होंने अपने पास रख ली होंगी यकीनन, और वो तो अब शाम को वापस आएंगे। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी सही। I'm so sorry, हाँ मैं तुम लोग को next time invite करूंगी ना तो फिर जरूर दिखाऊंगी। Sure, why not? अच्छा तुम लोग कुछ ले क्यों नहीं गए हो? ये लो सारा। Thank you.
बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप माइंड ना करें तो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप कहिए क्या बात है। दरअसल अली की ख्वाहिश है कि वो अलीना से फोन पे बात कर ले। आप तो जानती है ना आजकल के बच्चों को हमेशा अपनी मर्जी चलाते हैं। वो चाह रहा है कि ये सिलसिला शुरू होने से पहले वो अलीना से बातचीत कर ले। उम्मीद है कि आपको इनकार नहीं होगा। जी ठीक है, थोड़ा सा सोचने का टाइम दे दीजिए। बस वो मेरा बेटा आउट ऑफ कंट्री है ना, आप तो जानते हो यहाँ नहीं है, तो मैं उससे भी बात कर लूँ। हम घर में बात करके आपको बता देंगे। हाँ हाँ आप आराम से बातचीत कर लें, मगर इनकार नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। आप चाय पीजिए। जी पर आप मुंह तो मीठा करें ना। जी जी अब कभी कोई शिकायत ना करे कि मैं अपने घर किसी को इनवाइट नहीं करती, ठीक है ना? ठीक। अच्छा सुनो, तुम लोग ना याद से घर जाके फेसबुक पे तस्वीरें डाल देना। चल बाय। मजा आया ना सबको? बहुत मजा आया। बाय बाय बाय। क्या हो? हाँ बाज नहीं आओगी ना तुम? क्या पता कल कोई नहीं में से किसी के भाई से मेरी शादी हो जाए। यार मैं तो ये सोच सोच के इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ कि तुम्हारी शादी होने वाली है। उफ कितना मजा आएगा, मैं तो अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। कहीं तो तुम्हारी पहले करवा दे। मुझे कोई शादी वादी करने का शौक नहीं, सिर्फ तुम्हारी शादी का सुनके इतना एक्साइटेड हुई हूँ बस। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम खुश तो हो ना? इसमें ना खुश होने वाली कौन सी बात है? एक और बात, अली भाई ने क्या बात करनी होगी, इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है मुझे। ये तो तुम जाके अपने अली भाई से खुद पूछो, लेकिन इस बात से ना अम्मा जरूर परेशान हो गई थी। बात अम्मी क्यों परेशान होंगी, वो तो बहुत खुश है, आफ्टर ऑल तुम्हारा रिश्ता जो तय हो गया। और मुझे ना अली भाई काफी पढ़े लिखे लगते हैं, बल्कि होंगे डेफिनेटली, और ऊपर से मुझे बहुत ही सलीकेमंद भी लगता है, और साथ में अमीर भी अच्छे खासे है ना। बस अल्लाह करे सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। हाय इतनी सारी शॉपिंग करनी है, चलो अंदर चल के लिस्ट बनाते हैं। चल चलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ फवाद कैसी है बेटा? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, आप कैसी हैं? भी अल्लाह का शुक्र है बेटा, मैं बेटी के फर्ज से फारिग हो गई। अलीना की तरफ से बड़ी परेशान थी मैं। अभी आपका फर्ज अदा नहीं हुआ अम्मी, अभी तो पहला मरहला तय हुआ है, बल्कि सच पूछे तो पहला मरहला भी तय नहीं हुआ। वैसे फवाद तुम्हें क्या लगता बेटा कि तैयबा ने ऐसी बात क्यों की होगी? अली अलीना से क्या बात करना चाह रहा है? पता नहीं लेकिन मुझे उनकी ये बात बहुत अजीब लगी। माना कि आजकल का मामूल बन चुका है, लेकिन हमने तो अपनी लड़कियों की तरबियत इस तरह से नहीं की, और ना ही हमारे खानदान में इससे पहले कभी ऐसा हुआ है। हाँ बेटा वैसे मुझे लगता है इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अलीना अपनी हदूद में रहेगी। ठीक है रही आप, लेकिन ये सिलसिला फिर शुरू नहीं हो जाना चाहिए। एक बार बात करने का मतलब एक बार बात करना ही होना चाहिए, बार बार बात करना नहीं। हाँ सही कह रहे हो बेटा।
बचेगा यहाँ पर? जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे हम उन पर रहम नहीं करेंगे। जी मिस नीलम, अच्छा आज की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दें, मुझे एयरपोर्ट जाना है, अपनी सिस्टर को पिक करना है। नहीं वो सारी फाइल्स आप इजाज़ साहब को दे दीजिएगा, वो देख लेंगे। ओके लेट हो गया तो आप ये बुरा मत लीजिए। महारानी ने फिर दरवाजा खुला छोड़ दिया। यानी क्यों दरवाजा खुला छोड़ दिया? समझ नहीं आती मुझे इस लड़की की। ये दरवाजा क्यों खुला हुआ था? देखो मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब घर में अकेली हुआ करो तो दरवाजा बंद किया करो। अरे पराया घर है, अगर कुछ हो गया तो सब कुछ हमारे सर पर आएगा। तुमसे कह रही हूं मैं, उठो जाओ, एक गिलास पानी लेकर आओ मेरे लिए और रोटी भी डाल देना। भाई ये बड़े बड़े घर वालों के दिल ना इतने तंग क्यों होते हैं? वाह, ना ही खाना खिलाते और ना ही पैसे देने की बात कर रहा है। गुल, तुमसे कह रही हूँ, सुन रही हो? अरे बंद करो इस फसाद की जड़ को, सारा दिन इसी में लगी रहती हो। अम्मा प्रॉब्लम क्या है आपका? एक ही तो काम है इस घर में करने के लिए, टीवी के अलावा है क्या? एक ही शौक है मेरा, लेकिन वो भी आप पूरा मत होने देना। और एक बात बताइए जरा मुझे, पहले कब मैंने खाना बनाया इस घर में जो मैं आज बना लेती? इतना थक के आती हूँ मैं कॉलेज से, उसके बाद ही मैं आपका खाने बनाती हूँ। पानी पीना है तो वो सामने कूलर पड़े, वहां से जाके आप पानी पी सकती हैं। और घर में ना सिर्फ ये चिप्स हैं खाने के लिए, ये ला यही खाने को मिलेगा, खा ले। वाह बेटा वाह, थकी तो बस तुम ही हो, है ना? तुम्हारी माँ तो जैसे लोहे की बनी हुई है, सारा दिन मारी मारी इधर उधर फिरती रहती है। अरे घर आकर उसे एक ग्लास पानी का और चंद निवाले नसीब नहीं होते। लमिया ऐसी औलाद किसी को ना दे, तंग आ गई मैं तुमसे। शुक्र करो, शुक्र करो बेगम साहिबा ने तुम्हारा हाथ पकड़ के ना घर से नहीं निकाला। इस छत के साथ साथ ना हमें इतनी आसाइशें भी दी नहीं है, शुक्र करो। अम्मा ये देख लो, बस कर जाओ। रोटी चाहिए ना, बना देती हूँ मैं रोटी, लेकिन घर पे सिर्फ अचार है और प्याज है, उन्हीं के साथ खा लेना। वैसे एक बात तो बताएं, पैसे नहीं मिले कहीं से? कहाँ से मिले पैसे? मिलेंगे पैसे। अरे मचोलन तो सिर्फ उस वक्त याद आती है जब रिश्ता कराना होता है, उसके बाद तो सब भूल भाल जाते हैं। और जब पैसे मांगने जाओ तो ऐसे धतकारते कि जैसे हम पैसे नहीं मांग रहे, अपना हक नहीं मांग रहे, भीख मांग रहे उनसे, भीख। पता नहीं आपको क्या जरूरत थी वो चोरन बनने की।
किसी को बता भी नहीं सकती मैं, इस कदर एम्बैरेसमेंट होती है मुझे। अम्मा अभी भी वैसे मौका है, कोई और काम कर लो। क्या कर लो? डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, उस्तानी बन जाओ, हैं? अरे इतनी तालीम याफ्ता नहीं हूं मैं, ना ही कोई हुनर आता है मुझे। ये बन जाए वो बन जाए, लेकिन मुझे तो बताएं कि मैं कैसे बताया करूं अपने दोस्तों को। मतलब एक रिश्ते कराने वाली मासी। ओह नो, मैं तो किसी को बता भी नहीं सकती, बहुत ही बुरा लगता है, मर जाती हूँ एम्बैरेसमेंट से। मुझसे तो नहीं बताया जाता। अरे दिमाग तो देखो, सातवें आसमान पर पहुंचा हुआ इस लड़की का। जैसे रिश्ते करवाने वाले की बेटी ना हो, किसी मिनिस्टर की बेटी हो। दिमाग खराब, कैसे बताऊं? रोटी डालो जल्दी। अभी का फोन तो नहीं है। हाँ क्यों नहीं, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अली बात कर रहा हूँ। अलीना बात कर रही हूँ जी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझसे नहीं पूछेंगी कि मैं कैसा हूँ? आप कैसे हैं? तक तो खैरियत से हूँ, शायद आपसे बात करके और बेहतर हो जाए मेरी खैरियत। आप बात करना चाहते थे ना जी? तुम आप भी बात करना चाहती? खामोश क्यों हो गई? सोच रही हूं कि क्या जवाब दूं। लगता आप कम गो हैं। अच्छी बात है, क्योंकि मुझे ज्यादा बोलने वाली लड़कियां पसंद नहीं है। सीधी बात करता हूँ, आप इस रिश्ते से खुश हैं? जी। मेरा मतलब है कि क्या आपकी मर्जी शामिल है शादी में? कहीं आपसे किसी किस्म की कोई जबरदस्ती तो नहीं की जा रही? और अगर आप कहीं और इंटरेस्टेड हैं तो मुझे साफ साफ बता दें, बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगा, इनफैक्ट इस मामले में आपकी मदद करूंगा। ऐसी कोई बात नहीं अली, ये मेरे बड़ों की मर्जी है और इसमें मैं बहुत खुश हूँ। इसके अलावा ना ही मेरी कोई ख्वाहिश है और ना ही कोई मर्जी। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई मुझे ये जान के। आप अपना ख्याल रखें, बात में बात करें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चाहे दीद तेरी, नैनों की आदत बुरी, तुम थे वो अजनबी, थे सामने लापता, जितना मिलते गए होते
शहजाद, तुमने ये लॉन का क्या हाल बना के रखा है? और वो पौधे कहाँ गए जो मैंने लगवाए थे? फ्लावर्स कहाँ गए? वो मैंने वहाँ फ्लावर्स रखवाए थे, कहाँ गए सारे? आप ही अंदर चले, मैं बताता हूँ। ओह गॉड, मुझे मालूम था तुमने यही सब कुछ करना है। अच्छा अंदर चले। नूरी से बोलो गाड़ी से सामान निकाल दे। जी साहब जी। मेरी अम्मी भी एनजीओ चलाती हैं, बस बिजी रहती हैं थोड़ा, हर वक्त बाहर के टूर्स लगते रहते हैं तो घर में कोई होता नहीं है, लेकिन नौकर हैं काफी तो हो जाता है गुजारा। सच में? फिर तो तुम भी उनके साथ बाहर जाते होगे ना बिजनेस ट्रिप्स के लिए? नहीं, मैं जाती हूँ लेकिन कॉलेज होता है ना तो इस वजह से इतना ज्यादा नहीं जा पाती। अच्छा तुम ये बातें छोड़ो, मुझे बताओ कि हम फिर मिल कब रहे हैं? लंच के लिए जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, मगर मुझे ऐसे लगता है कि तुमने ना किससे बात कर रही है इतनी रात को? हाँ? मेरी दोस्त ने मैं आहिस्ता बोल। हेलो, कौन है बेटू? हाँ, खबरदार जी आइंदा फोन किया, हाँ कत्ल करके रख दूंगी मैं तेरा, समझ आई? अब तुम्हारी लड़कों से भी दोस्ती होने लगी? हाँ, कोई रॉन्ग नंबर था, बुशरा का पूछ रहा था। आपको तो पता है मेरी एक दोस्त है बुशरा, मुझे लगा शायद कोई उसका रिश्तेदार है, तो बात थोड़ी सी लंबी हो गई, पीछे से आप आ गई। हद होती है वैसे, आप तो मेरे ऊपर ऐसे बरसती वैसे अम्मा, थोड़ी शर्म करें, जैसे मैंने किसी से बात ना कर ली हो, किसी के साथ भाग गई हूँ मैं। बन्नो, बस यही कसर रह गई थी भागने वाली, बाकी तो सारे झंडे गाड़ चुकी हो तुम। शर्म नहीं आती बेटी के लिए ऐसी बातें करती है? अच्छा अब मैं सो रही हूँ, जाए यहाँ से। एक तो पहले इस रॉन्ग कॉल ने मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से आप मेरा दिमाग खराब कर रही हैं। लाइटें बंद करें और जाएं प्लीज यहाँ से। लाइटें बंद करें और जाएं। नौकर हूँ तुम्हारी, खुद ही बंद करो। सॉरी, मेरी सेटिंग खराब करा दी, तीन बार रसूंगी मैं इसके सामने अब। शाम मुझे डिनर पर लेकर जा रहा है, क्या पता आज वही स्पेशल शाम हो मेरे लिए। काश आप उससे मिल पाती अम्मी, जिससे आपका बेटा शादी कर रहा है। मुल्जिमा मरियम अक्चा को लापरवाही बरतने और कत्ल करने के इल्जाम में ट्रायल के लिए लाया गया, इनका ट्रायल आज से शुरू होगा। बस इतनी सी बात की उन्होंने? इतनी सी बात की उन्होंने, ये क्या बात हुई? मुझे लगा कोई कॉन्वर्सेशन, रोमांटिक वाली कॉन्वर्सेशन होगी, या फिर कोई इजहार वगैरह, या फिर तुम्हारी पसंद नापसंद ही पूछी होगी। तो पूछी उन्होंने मुझसे मेरी पसंद, कि मुझे कोई और पसंद तो नहीं है? लो, ये क्या बात हुई? अब अगर कोई और पसंद होता तो तुम रिश्ते के लिए हाँ करती, अपनी मर्जी ना कर लेती? ऐसे मैं ये सोची, शुक्र है बात हुई और जान छूटी। जान छूटी या नहीं ये तो अभी नहीं पता चलेगा। मुझे तो लगता है वो तुम्हें जब तक कॉल्स करेंगे जब तक तुम अलीना हसीर से अलीना अली नहीं हो जाती। अब इतने जतन करके तुम्हारा नंबर मिला है उन्हें, इतनी आसानी से नहीं जीने देंगे वो तुम्हें। आज आप कुछ ज्यादा नहीं बक रही है? हाँ, असाइनमेंट नहीं है खत्म करने को, काम नहीं कुछ करने को, अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो और तंग ना करना मुझे। लो रमशासी, भलाई करने का तो कोई जमाना ही नहीं रहा ना, अपने मशवरे और अपनी भलाई अपने पास ही रखो, इससे पहले और बेइज्जती हो। निकलो यहाँ से। न जाने किन चक्करों में पड़ी हुई है, क्या करती फिर रही है बताती भी नहीं। अब मैं अनपढ़ जाहिल औरत क्या जानूं कि मोबाइल पर क्या करती फिर रही है। पता नहीं वो लड़का कौन था। शनास, तुझे अब इसकी शादी का सोचना चाहिए। अरे दूसरों की बेटियों की फिक्र में अपनी बेटी की फिक्र तो भूल ही गई है तू। खैर से कॉलेज का आखिरी साल है,
तुझे अब इसके लिए भी किसी अच्छे घराने में कोशिश करनी चाहिए। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे? चलिए शुक्र है इस बार आपने खुद से मेरी खैरियत पूछ ली। आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अभी तक सोई नहीं? लेट सोती हैं? नहीं, लेट तो नहीं सोती, लेकिन जल्दी भी नहीं सोती। मुझे आपका जवाब पसंद आया। अच्छा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी। जी बोलिए। क्या आप मुझसे मिल सकती हैं? जी, मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे मिलें, लेकिन घर पर नहीं, कहीं बाहर। और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये बात आप अपने घर वालों को नहीं बताएं। लेकिन अली, लीना मुझे कोई जल्दी नहीं है जवाब। टेक योर टाइम। हाँ, जगह का भी सोच के रखना। मैं बाद में आपको कॉल करूंगा। खुदा हाफिज़। लेकिन अली, हेलो। अजीब इंसान, हर किसी की बात सुनता ना समझते। उससे मिलो। हाँ, आसिफ में पहुंच गई हूँ खैरियत से। हाँ, सब ठीक है, बस थक गई हूँ ऑब्वियसली। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? वापस। गॉड, इस घर का क्या हाल हुआ है? सारी चीजें फैली हुई है, कोई सलीका नहीं है, कोई ढंग नहीं है। दो दो नौकर है इस घर में कहने को। सारी चीजें उल्टी पुल्टी हुई है। इस कदर मट्टी। नूरी, नूरी, ये तुम लोगों ने सफाई की इस घर की? मेरे जाते ही तुमने सारे घर को तहस नहस करके रख दिया। ये देखो, ये क्या है? क्या है ये? क्या है, जवाब दो मुझे। बेगम साहिबा, करते तो हैं सफाई। ये सफाई की है तुमने? ये सफाई करते हैं, ये देखो, ये सफाई करते हैं। तुम लोगों को पैसे किस बात के मिल रहे हैं? सफाई ना करने के, काम ना करने के। आपे क्या हुआ, इतना गुस्सा किस बात का? अरे गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? ये देखो शहजाद, इतनी मट्टी, ये लोग ये सफाई करते हैं? क्या हाल बना के रख दिया इस घर का। नूरी, तुम अंदर जाओ। धोती है शहजाद, ये सब कुछ कब तक चलेगा? क्या हाल बना के रखा हुआ है घर का? क्या हो गया हमारे घर को? अच्छा भला तो है घर, क्या हो गया? अच्छा भला है घर, इसको बोलते हैं अच्छा भला घर? शहजाद, ये सब कुछ नहीं चलेगा। इस घर की एक एक चीज तवज्जो मांगती है, टेंशन मांगती है। ये देखो, वो सोफे देखो, कितनी मट्टी है। क्यों, नौकरों के हाथों हम इस घर को कब तक छोड़ के रखेंगे? नौकर अपने घर को अपना घर नहीं समझते। शहजाद, इस घर को एक औरत की जरूरत है जो इस घर को अपना घर समझे, उसको संवारे, सजाए। हाँ तो आप भी तो एक औरत है ना, घर को संभाले, सजाए। मैं तो साल में एक दफा आती हूँ इस घर में, मैंने कहा पूरी जिंदगी रहना इस घर में। शहजाद, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम निकल आओ एनी से बाहर, भूल जाओ, वो एक हादसा था। ठीक है, उसकी जिंदगी इतनी लिखी थी अल्लाह ने, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन तुम्हारे आगे अपनी बहुत जिंदगी पड़ी है, उसको बर्बाद नहीं करो। तो क्या करो फिर? शहजाद, घर बसाओ, शादी कर लो, कब तक अकेले रहोगे? शहजाद, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में है ही कौन? मम्मी पापा भी मैं छोड़ के चले गए, तुम मेरे इकलौते भाई हो, तुम्हें यूं अकेला रहते हुए देख के मुझे दुख होता है, मुझे अफसोस होता है कि तुम अकेले रह रहे हो। मुझे तो अपसेट ना करो, मैं बहुत दुखी होती हूँ तुम्हें यूं उस तरह देख के।
प्लीज शादी कर लो। अच्छा ठीक है, पर प्लीज आप इस तरह मायूसी वाली बातें मत करें। आप इतने सालों के बाद आई हैं और आपको खुश करने के बजाय मैं आपको अपसेट कर रहा हूँ। हाँ तो नहीं करो ना मुझे अपसेट, कोई अच्छी सी लड़की देखो और शादी कर लो प्लीज। ओके, मान लेता हूँ आपकी बात। रेली, इसका मतलब है मैं तुम्हारे लिए लड़की देखना शुरू कर दूँ, तुम्हें कोई इतराज नहीं? हाँ हाँ बेब, जो आपको ठीक लगता है आप वो करें। Really happy for you. I really am.